नमस्ते दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे सब्सक्राइबर मेरे व्यूअर का कमेंट आ रहा था कि सर किसी नए कंप्यूटर को आप खोल के अनबॉक्सिंग करिए, कैसे एक नए कंप्यूटर का हम सेटअप कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करते हैं सारी चीज दोस्तों, चलिए देखिए। ठीक है, ये एक हमारे HP कंपनी का मशीन है और इसमें मैं बता दूं क्या क्या चीज लगा हुआ है। इस अभी प्राइस में आप बताऊंगा कितने रुपए का है। ये कोर i3 मशीन है 10th जनरेशन का। इसके अंदर 8 GB का रैम लगा हुआ है, 256 GB का SSD है, मतलब 256 GB SSD है, 1 TB का हार्ड डिस्क है, 18.5 इंच का मॉनिटर HD मॉनिटर है। इसके अंदर आपका VGA पोर्ट भी दिया इस मॉनिटर के अंदर, इसमें HDMI पोर्ट भी दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सारे चीजें खोलते हैं और ये वायर्ड कीबोर्ड और माउस के साथ आता है, समझ गया ना। चलिए देखिए। और हाँ, उसके बाद चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आप पहुंचे। दोस्तों फिर शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, तो दो डब्बा हमारे पास है और एक ये मॉनिटर वाला, मतलब कि LCD हो गया, LED हो गया, और ये आपका एक CPU वाला। तो पहले इसको हम खोल लेते हैं, CPU के अंदर क्या क्या चीज दिया हुआ है। ठीक है, हम UPS लेकर नहीं आए हुए हैं क्योंकि जहां पे हमको ये कंप्यूटर देना है कस्टमर के पास, वहां पर UPS लगा हुआ पहले से ही, तो उन्होंने कहा कि हमको UPS नहीं होता है। तो जैसे जानते हैं UPS का काम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, लाइट गोल होने पर UPS जो है बैकअप देता है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ HP कंपनी का ब्रांडेड मशीन है ये। ठीक है, हमारे पास सिंपल तरीके एक नाइफ है, यहाँ रखिए, मैं इसको इसे यहाँ से मैं खोल देता हूँ, यहाँ से खोल लीजिए। फिर यहाँ से ये दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ से ये हमने कर दिया। ये एकदम आराम से खोलिए, ब्रांडेड मशीनों के जो डब्बे होते हैं ना, बड़े अच्छे से पैक हुए रहते हैं। तो एक ये निकाल देते हैं हम, ये देखिए, इसको हमने किनारे दिए यहाँ पर, उसके बाद इस साइड ये दिया हुआ है। तो उसके पहले हम CPU निकाल लेते, देखिए CPU है, ये CPU है। ठीक है, तो अब जो CPU आते हैं ना, मिनी CPU आते हैं, ये छोटे वाले CPU कितने कॉम्पैक्ट है, ये आगे से लुक उसका ऐसा है ये। ठीक है, तो अभी और दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए, हम इसको नीचे रख लेते हैं एक बार, फिर डब्बे खोलते भी हम और दिखाते हैं डब्बे में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। फिर उसके बाद एक ये बॉक्स है, इसके अंदर आपको माउस मिलेगा, उसके अंदर पावर केबल मिलेगा ये, और फिर एक बॉक्स और दिया है, इसके अंदर कीबोर्ड मिलता है, वायर्ड कीबोर्ड है ये। तो अब क्या करते हैं, इस डब्बे को हम किनारे कर देते हैं। ठीक है, किनारे कर दिया, अब वन बाय वन पहले खोलते हैं। देखिए, तो पहले हम कीबोर्ड खोल लेते हैं क्योंकि डिब्बा कीबोर्ड का डिब्बा भरा चुका है, ये कीबोर्ड है ये। तो देखिए HP का वायर्ड कीबोर्ड है ये। ठीक है, ये देख सकते हैं कीबोर्ड है, अच्छा मतलब सॉफ्ट है, चेरी कीबोर्ड है ये, और काम करने में मजा आएगा, एकदम सॉफ्ट है ये। ठीक, मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं, मतलब कि जो की अलग से देते हैं वॉल्यूम के लिए करने के लिए मल्टीमीडिया नहीं कीबोर्ड, लेकिन ये अच्छा कीबोर्ड है, USB कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो इसको भी हम किनारे रख लेते हैं, हमने इसको किनारे रख दिया। अब खोलते हैं इस डब्बे खोल के देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। इसको खोल लिया हमने, और डब्बे खोलने के बाद में इसमें एक ऑप्टिकल माउस है, देखिए आप, ऑप्टिकल माउस है, एक दिया हुआ पावर केबल, क्लियर है, जो CPU कनेक्ट करने के लिए, एक कुछ पढ़ने की किताब दिया हुआ है, इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, वरना कैसे लगाना है तो मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूँगा कैसे लगाना है, इसको देखने जरूरत पड़ेगी आपको। इस डब्बे को मैं किनारे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं किनारे दिया, अब देखिए हमारा पावर केबल है, अब लेके आते हैं CPU। ठीक है, देखिए दोस्तों ये है CPU। दोस्तों दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये कोर i3 मशीन है, इसमें 10th जनरेशन CPU लगा हुआ है, 8 GB का रैम है और 256 GB का SSD है, 1 TB का हार्ड डिस्क है, इसके साथ में राइटर नहीं दिया हुआ है, और कॉम्पैक्ट PC कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है HP कंपनी, और खैर ब्रांड का जो लोगो दिया हुआ है तो नंबर वन, क्योंकि सेल्स आफ्टर सर्विस HP कंपनी का बड़ा शानदार होता है। ये हो चुका, अब देखिए वरना क्लियर करता हूँ, ये देखिए पावर बटन करने के लिए दिया हुआ स्विच दिया हुआ है ये, पावर ऑन ऑफ करने के लिए, उसके बाद ये दिया हुआ आपका इसमें ये सुनने के लिए स्पीकर लगा सकती है, ओके 1 2 3 4 चार USB पोर्ट दिया हुआ है, देखिए ये फ्रंट में 4 USB पोर्ट दे रखा है, ये हो चुका है, और पीछे इसको बैक में करते हैं, और देखिए इसके साथ में 4 आगे USB पोर्ट दिया हुआ था, उसके बाद 1 2 3 4 मतलब 8 USB पोर्ट दे रखा है, क्योंकि अब जितने चीज़ें आती है ना, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया, सब USB बेस पर आता है, तो कंपनियाँ ज़्यादा USB पोर्ट पर दे रही हैं। उसके बाद एक LAN पोर्ट दिया हुआ आपका देख लीजिए ये, और ये सीरियल पोर्ट दिया हुआ है, और इसके बाद VGA पोर्ट है, और HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा मॉनिटर जो है ना HDMI पोर्ट का है, तो इसलिए हम HDMI कनेक्ट कर सकते हैं तो, या चाहे VGA कनेक्ट कर सकते हैं, ये है SPI कनेक्ट कर सकते हैं, और ये रही इसका देखिए SMPS कितना छोटा दिया, कॉम्पैक्ट दिया हुआ। ठीक है, ये SMPS का है ये, और मतलब बड़ा अच्छा है, इजी टू यूज़ है, कहीं कैरी कर सकते हैं, और हाँ मिनी जितने PC आते हैं इसके अंदर इनबिल्ट पहले से ही आपका वाईफाई दिया जाता है, मतलब वायरलेस आपको डोंगल लगाने जरूरत पड़े, वायरलेस कार्ड लगाने। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है, और इसके अंदर
प्री इंस्टॉल विंडो 11 लोडेड है, मॉडल बता दूंगा आपको क्या मॉडल नंबर है, प्री इंस्टॉल विंडो 11 लोडेड है और साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये होम एंड स्टूडेंट एडिशन लोडेड है 2019। क्लियर है ना ये, तो मशीन ये दिखा हुआ है और हम इसको कनेक्ट करते हैं तो वन बाय वन करके। चलिए इसको पहले मॉनिटर खोल लेते हैं, मॉनिटर दिखाता हूँ आपको मैं, इसके साथ में कौन सा मॉनिटर आता है अभी मॉडल में बताऊंगा कितने रुपए का प्राइस आता है ये हमारे उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। तो देखिएगा ये, तो मॉनिटर खोलने के लिए सिंपल तक इसको हम कर लेते हैं और देखिए कर लेते हैं, ये ब्रोचर दिया उसको हटा दीजिए, ये केबल दिया HDMI केबल है, पोर्ट तो दोनों दिया हुआ है इसमें, VGA पोर्ट भी दिया हुआ है, HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है, लेकिन साथ में जो केबल मिला हुआ है डब्बे के साथ में वो मिला हुआ है HDMI केबल, ये हो गया। और एक साइड दिया हुआ है ये पावर केबल, मजबूत एकदम पावर केबल, लंबा है ये केबल भी देख लीजिए, ये हो गया। अब सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं, इस मोटर को जो है आप ऐसे पकड़िए यहाँ से और ये करके यहाँ से ऐसे इसको उल्टा कर दीजिए, ये ऐसे कितने आराम तरीके से निकल गया ये, ठीक है। इसको पकड़ लीजिए मोटर को और डब्बे को किनारे रख देते हैं, तो डब्बा भी किनारे हो गया। ये दिया हुआ स्टैंड, लगाने के लिए स्टैंड हो जाएगा, उसके बाद ये बताया कैसे स्टैंड आपको लगाना है। एक ब्रोचर ये दिया हुआ, हटा दिए इसको भी, और ये एक इस पर रखेंगे वो दिया हुआ है, इसको हम सब किनारे रख देते हैं और दिखाते हैं मॉनिटर कैसे दिखता है। तो देखिए ये है हमारा HP कंपनी का मॉनिटर, आजकल जो है ना मॉनिटर का रेट बहुत ही ढाका हुआ है, अगर सिर्फ मॉनिटर से ले जाएंगे तो मोटा मोटी ये मॉनिटर आपको 11,000 रुपये का मिलेगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है HP कंपनी का, ये 18.5 या 19 इसको कह सकते हैं मॉनिटर, कह सकते हैं ये हो चुका है। इसमें देखिए दो पोर्ट था, एक दिया हुआ पावर देने के लिए पावर पोर्ट दिया हुआ है ये, और एक दिया हुआ HDMI पोर्ट, ये HDMI मतलब इससे कनेक्ट करना है ना, तो HDMI से कनेक्ट कर सकते हैं या चाहते हैं आप VGA केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ में HDMI केबल मिला हुआ है। अब हमको इसको कनेक्ट करके ऑन करके मशीन को दिखाते हैं कैसे इसको करना है। तो सिंपल इसको लगाने के पहले क्या करते हैं हमें, यहाँ तो हमने नीचे कवर लगा दिया है, अब इसमें हम इसका जो स्टैंड लगा देते हैं, ऐसे करते हैं स्क्रैच नहीं आएगा, ये लगा दिया हमने। और फिर देखिए साथ में इसके मिला हुआ ये सिंपल तरीके से यहाँ बैठ के इसको हम इसे यहाँ पे दबा देंगे, ये बैठ गया। और फिर ये कवर दिया हुआ आपका यहाँ से लगाने के लिए मोटर का, और एकदम सिंपल है, कोई टफ नहीं है, HP कंपनी का है ये। ये देखिए मोटर एकदम सेट हो गया, ये ना ये। अब देखिए एक मॉनिटर कितना, मतलब मैं देखता हूँ बहुत सारी कंपनियों का मॉनिटर होते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जो ब्रांडेड होते हैं उसका बात ही अलग होता है, एकदम एकदम हैवी है, मतलब एकदम मजबूत है, ये भी आपका मजबूत है, ये सारी चीज़ें जो है एकदम स्टैंडर्ड लग रहा है, ये हो चुका। अब हम क्या करते हैं वन बाय वन करके मशीन को ऑन करते हैं, तो हमें पावर केबल मिला हुआ है, जो करंट देना आपको है, ये उल्टा तार लगाएंगे लगेगा नहीं, एकदम जहाँ जैसे होता है ना वैसे लगेगा, यहाँ लग दिए लगा दिए जो मोटर साथ मिला हुआ था, साथ में मिला हुआ है ये आपका एक HDMI केबल, दिख रहा है ना आपको HDMI केबल दिख रहा है, तो HDMI केबल के थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे। आप ऑनलाइन मंगाइए मशीन को, ऑफलाइन लेकर आइए, तो किसी को घर बुलाने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देख करके कोई मशीन हो, किसी ब्रांड का मशीन हो, आप सिंपल तरीके से सेट कर सकते हैं। ये देखिए HDMI केबल है, इसके बीच में और इसके बीच में कम्युनिकेशन होता है, जो ये काम करेगा ना उसका डिस्प्ले दिखाने के लिए हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये भी उल्टा लगाने लगेगा नहीं, तो एक ही साइड से लगता है, इसको देख लीजिए लगाने के लिए, इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, HDMI भी दिया हुआ है और VGA भी दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं HDMI लगा सिंपल लगा देते हैं, ठीक है ठीक है लगा दिए, अभी ऐसे लगा दिए ना उल्टा लगेगा नहीं लगाऊंगा, तो हमेशा ध्यान दीजिए कैसा कट मार दिया हो इसे लगाने का, लग गया ये लग गया। अब मॉनिटर में जो तार लगने लग चुके हैं, अब क्या करना हमको लगाना है इस डेस्कटॉप में, मतलब CPU में लगाना है, तो CPU लगाने के लिए क्या करना है, देखिए ये पीछे मोड़ लेते हैं इसको, हम पीछे मोड़ लेते हैं और देखिए ये हमने क्या HDMI केबल जहाँ से आया हुआ है और CPU के अंदर पीछे देखिए यहाँ दिया हुआ कौन पोर्ट दिया हुआ ना, तो पहला वाला दिया हुआ HDMI पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ इसको लगा देते हैं, यहाँ सिंपल बैठ गया। फिर जो दिया हुआ पावर केबल दिया हुआ है, एकदम बता रहा हूँ आपको सिंपल, एकदम नौसुखी आदमी आपको नहीं आता सेटअप करना कंप्यूटर, चाहे असेंबल कंप्यूटर हो चाहे ब्रांडेड कंप्यूटर हो, इसी तरीके से एकदम घर के ऊपर अपने कंप्यूटर को लगा सकते हैं, अपने कंप्यूटर को सेट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये लगेगा, इससे क्या होता है कि आपके इस CPU में पावर जाता है, 220 वोल्ट जो आएगा मिले घर के अंदर वो होगा, हमारा पावर बोर्ड है ये, और पावर बोर्ड है, इस पावर बोर्ड के अंदर हमने इसको जो है ऐसे लगा दिया, अभी ऑन नहीं कर रहे, यहाँ कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक माउस पड़ा हुआ लगाने के लिए, देख लीजिए माउस है, किसी भी चारों पोर्ट में कहीं लगा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, इसको ना USB है कहीं लगा सकते हैं, या फ्रंट में जो USB दिया हुआ है ये USB दिया हुआ है, इसमें से किसी में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम करता सब में काम करता है। हम क्या करते हैं फ्रंट में इसको लगा देंगे, ठीक है, पीछे लगा के हम इसको क्या करेंगे फ्रंट में इसको हम ऐसे लगा देंगे, ये लग गया। और फिर देखिए जो मोटर वाला पावर था ना ये पावर, इसको भी लगा के पावर बोर्ड में लगा देते हैं सिंपल तरीके से, अभी किसी ऑन नहीं कर रहे हैं, हमने इसको भी कर दिया। और करने बाद में अब क्या बचता है हमारे पास, बचता है हमारे पास कीबोर्ड लगाने के लिए, तो अब हम कीबोर्ड लगाएंगे,
ये कीबोर्ड हमारे पास है, ये कीबोर्ड लगाने का भी हमारे पास है, इसको भी हम लगा देते हैं, सिंपल यहीं लगा देते हैं, कीबोर्ड को भी लगा देते हैं क्योंकि अभी पैक करना हमको है, हम इसको लगा दी। तो हमने फ्रंट में कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर लिया, देखिए यहाँ पर लगा दिया है, यूएसबी कीबोर्ड है और यूएसबी माउस है, दोनों कर दिए, अभी चुका है, पूरा सेटअप बैठ चुका है। अब देखिए तार हो तो अपना सेट कर लीजिए, जैसे तार सेट करना, अब क्या करना है, मेन पावर है यहाँ से, मैं इसको देखिए ये अब क्या है ना कि हमारा ये दोनों लग चुका, पावर केबल लग चुका है, अब ये स्विच यहाँ दिया है, इसको हम ऑन कर लेते हैं, यहाँ प्रेस करते हैं और इस बोर्ड में करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, लग चुका है। अब देखिए यहाँ सिंपल पहले हमें पावर बटन दिया हुआ है यहाँ पे और इसको वैसे प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये हमारा मशीन ऑन हो जाएगा, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा और देखिए लाइट आ गई, आगे आ गई ना। अभी देखिए इसके अंदर भी कहीं पावर दिया होगा मॉनिटर के अंदर, इसको देख लीजिए पीछे ये पावर दिया हुआ है, इसको भी ऑन करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना आपको, यहाँ पे हम इसको प्रेस कर लेते हैं, यहाँ प्रेस कर दिया, हमारे मॉनिटर में आ गए, लिख क्या रहा HP, अच्छा ब्रांड है। और अब चलिए दिखाता हूँ आपको बंदा बन करके अब क्या करना पड़ेगा। देखिए जब भी आप ब्रांडेड मशीन लेते हैं ना, मान लीजिए जैसे मैंने ब्रांडेड मशीन लिया हुआ है, इसके अंदर विंडोज 11 पहले से लोडेड है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोडेड है, तो इसको करने से पहले कहीं पे भी आप जो है ना एक माइक्रोसॉफ्ट का जो है एक आईडी बना लीजिए, ईमेल आईडी बना लीजिए, क्योंकि उसी ईमेल आईडी से आपका ये मशीन कॉन्फिगर होगा। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, सिस्टम चल रहा है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मतलब आउटलुक का एक बना रखा, मैंने आईडी बना रखा, उसी आईडी को डालूंगा। अब क्या करना है, यहाँ पे पूछा इंडिया कंट्री पूछ रहा, तो इंडिया से मैं हूँ, तो सिंपल तरीके से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए माउस भी काम करना स्टार्ट हो गया, कीबोर्ड में लाइट आ चुका है, लाइट काम कर रहा है, तब सिंपली इंडिया सेलेक्टेड है, यहाँ करना है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट पे अभी कनेक्ट हो रहा, सर्च कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज कौन सा आपको चाहिए, तो हमें चाहिए इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश में क्लिक कर लेते हैं हमें, ठीक है। और लेआउट करना है, स्किप कर दीजिए इसको, सिंपल स्किप कर दीजिए, कुछ नहीं करना। अब देखिए कनेक्ट बोला इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, तो मेरे पास ऑलरेडी इंटरनेट लगा हुआ, घर के ऊपर इंटरनेट लगा, वाईफाई आपके पास नहीं पड़ा हुआ है तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं कनेक्टेड इंटरनेट है तो मैंने यहाँ कनेक्ट करके इस पर कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि शुरू में जब लैपटॉप या आप कंप्यूटर लेते हो आपको कन्फिगर करना पड़ता है चीज़ों को, तो मेरा वाईफाई है मेरा ये है दिया हुआ, इस पर कनेक्ट क्लिक करता हूँ। अब पूछा पासवर्ड पूछता है, तो जो भी वाईफाई का पासवर्ड अगर पड़ा हुआ है उसको आप डाल देंगे, तो मेरे जो वाईफाई का पासवर्ड है मैं यहाँ डाल के उसको जो है आगे बढ़ाता हूँ, डालिए पासवर्ड और उसको फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब चेक कर रहा है हाँ वाईफाई कनेक्ट, क्योंकि इस सीपीयू के अंदर ना पहले से इनबिल्ड वाईफाई दिया हुआ है तो दिक्कत नहीं, अगर वाईफाई नहीं दिया होता तो मैं फिर लैन केबल के थ्रू इंटरनेट करके इसको कन्फिगर करता हूँ। तो मैक्स देखिए अब बता रहा है कि कनेक्टेड लिख आ रहा है, ठीक है कनेक्टेड लिख आ रहा है, उसके बाद ये नेक्स्ट वाला हाईलाइट हो गया। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अभी इनके चेक से इंटरनेट से कनेक्ट होकर जो भी चीज़ें चेक करना होगा वो मैं उन करके चेक करेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए तो कितने अच्छे तरीके से जो है आप इस चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं ना फॉर्मेलिटी से पूरा होगा, और वीडियो देखिए बनाऊंगा तो बहुत बड़ा बहुत लंबा बन जाएगा, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया है कि HP कंपनी एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि सेल्स आफ्टर सर्विस का अच्छा है और इसके अंदर लगभग 8 GB रैम मिला हुआ है, 256 GB SSD है। जब भी आप कोई भी कंप्यूटर लीजिए, कोई भी लैपटॉप लीजिए ना, उसके अंदर SSD जरूर रहना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में विंडो 10 ले लीजिए या विंडो 11 ले लीजिए, सबके अंदर स्पीड चाहिए, स्पीड आपका कंप्यूटर का आपका लैपटॉप करने जाएगा तो आप बहुत मतलब बोरी हो जाएंगे। ये फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है, PC विल बी रिस्टार्ट बिफोर यू कंटिन्यू, बहुत सारी चीजें टाइम टेकिंग है ये, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है वीडियो को देखने के बाद में आप कन्फिगर कर लेंगे और अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर लेंगे। अब रही बात इसकी प्राइस कितनी है, देखिए मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर, आप हो सके इंडिया किसी कोने में रहते होंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर या तो आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो अलग अलग होगा, लेकिन 50,000 के अप्रॉक्स जो है ये आपको डेस्कटॉप में मिल सकता है। हो सके कितने रुपए का मिलेगा वो चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए कभी कभी ये मैंने भी कहीं लिया हुआ सेल करने के लिए तो डिस्क्लोज करूंगा कि कितने रुपए का है, तो बातें बनती है कस्टमर से, आप वीडियो में इतना बताते हैं हम इतना बता रहे हैं तो वो बात नहीं है। तो 50,000 की रेंज का आपको बजट बनता है तो आप मिनी ले सकते हैं, इसके अनबिल्ड है। देखिए फॉर्मेलिटी आ चुकी है, इसको मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पूछा योर नेम, तो जो भी कस्टमर का नाम देना डाल सकते हैं, हमारा स्किप फॉर नाउ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरा तो ये CPO ने कस्टमर को सेल करना, तो फॉर्मेलिटीज हो रही है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है आपको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है आई लेकर आइए जाइए, मुझसे पूछ रहा है कि अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब एक्टिवेट करने के लिए आप ईमेल डालिए। तो मैंने पहले इसे अपने लैपटॉप बना रखा था, सिंपल तरीके से जो भी ID मैंने बना रखा है वो डाल देता हूँ, ठीक। जो भी ईमेल ID था पासवर्ड आगे बढ़ चुका है। अब बोला क्रिएट पिन, तो क्रिएट पिन जो भी करना है इसको हम क्रिएट पिन कर लेते हैं, और मान लीजिए कि मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 ऐसा कर दिया, करके मैंने ओके कर दिया। द प्रोवाइड अ पिन दैट मीट द कंप्लीटली रिक्वायरमेंट, यू पिन कांट बी कॉमन नंबर इन द पैटर्न, मान कुछ भी हम डाल देते हैं। ये बोल रहा है कि सेम सीरीज में नंबर नहीं हो जाए, जो इजीली गैस कर लिया जाए, तो ये हो गया और इसको हम ओके कर लेते हैं। देखिए हमारा पिन जनरेट हो चुका और वेट कर लेते हैं मशीन कन्फिगर होने के लिए। दोस्तों देखिए सारा चीज़ हो चुका, कन्फिगर हो चुका है और ये हमारा डेस्कटॉप ऑन हो चुका है विंडोज 11 के साथ में। विंडोज 11 का लुक ऐसा ही है एकदम,
तो प्री इंस्टॉल विंडो 11 होम लोडेड है, ऑफिस 2019 लोडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन बता देता हूँ आपको, कोर आई3 10th जनरेशन, 8GB रैम, 256GB SSD, 1TB इनबिल्ट हार्ड मतलब HDD और इनबिल्ट वाईफाई है। अच्छा है, एकदम कॉम्पैक्ट है ये, और एक साल की इसकी वारंटी है। मैंने बता दिया है कि प्राइस का पता कर लीजिएगा, मोटा मोटी 50 के अंदर ही मिलेगा आपको दोस्तों वीडियो। और हाँ, एक चीज बता दूँ कि इस CPU के साथ मैं UPS नहीं दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास में ऑलरेडी जो है UPS लगा हुआ है। अगर आपके घर पर लाइट का आना जाना, मतलब लाइट गोल होता आता रहता है, तो आप UPS ले लीजिएगा। इसका काम होता है कि लाइट गोल होने पर आपको 10 से 15 मिनट बैकअप मिल जाए और उसके इसमें अपने कंप्यूटर को बंद कर ले। तो वीडियो से आपको सीखे हो तो प्लीज वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि नए कंप्यूटर कैसे तब लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वीडियो से कहीं नहीं सीखे। तो चलिए, आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।